Hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज हम बहुत टाइम बाद सरोजनी नगर जाने वाले हैं. It is so hot today. लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सरोजनी नगर जाके रहूंगी बिकॉज इट हैज बिन अ वाइल एंड आप लोग मुझसे बार बार जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ जो भी मैं शॉर्ट डाल रही हूँ कंसिस्टेंटली कॉमेंट्स आते हैं कि क्वर्की वेयर इज द सरोजनी वीडियो वी नीड टू सी द न्यू कलेक्शन एंड दो आई वॉज वेटिंग फॉर अ बेटर टाइम एंड वेदर जिस टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर सकूँ कि हाँ भाई इस वेदर में जाना इतनी गर्मी में मत जाना बट सिंस यू गाइज वॉन्टेड आई विल डू इट एंड क्योंकि अभी ऑगस्ट चल रहा है ऑगस्ट सेप्टेम्बर के टाइम पे ना वहाँ पे विंटर स्टफ आना भी शुरू हो जाता है सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इफ आई कैन फाइंड सम विंटर स्टफ देयर वैसे तो बहुत गर्मी है लेकिन सरोजनी इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग बट बेसिकली आई नीड सम न्यू क्यूट एंड अफोर्डेबल क्लोथ एंड उसी के लिए मैं जा रही हूँ आई डोंट प्लान ऑन बाइंग बैग्स एंड फुटवेयर इतना ज्यादा मेरा कोई प्लान नहीं है मे बी सम क्यूट एक्सेसरीज जो भी इस बार कलेक्शन में होगा सो यू गाइज आर गोना सी अ फुल गाइड ऑफ सरोजनी नगर मार्केट कौन से शॉप नंबर से मैं इस बार शॉप करती हूँ What are the hidden gems this time and so much more जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है I hope I get to meet some quirky squad today without any further ado let's get started All right, guys, this is voiceover quirky taking over. I am going to Sarojini सुबह सुबह उठ के मेरे साथ है मेरी मम्मी जो मुझे accompany करेंगी She always helps me to bargain and there are a few requirements जो आपको इतनी गर्मी में सरोजनी नगर जाने के लिए important होगी सबसे पहले तो 11 बजे सरोजनी नगर पहुंच जाओ मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी एंड सेकेंड पॉइंट इज अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर रखना कम्फी फुटवेयर इज रियली इंपॉर्टेंट एंड साथ में एक बैग ले लेना जिसमें आप सारी शॉपिंग कर सको बार बार प्लास्टिक के बैग लेना इज नॉट गुड सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से आपको एंटर करना है एंटर करते ही आपको लेना है एक राइट राइट में चलते चलते सबसे पहले आप देखोगे बहुत सारे ठेले होंगे वहां पे कुर्तीज मिलेंगे बहुत सारे व्हाइट टॉप्स और जीन्स मिलेंगे बट आपको मुड़ना है वहां से लेफ्ट ओम ऑप्टिकल्स वाली गली में जाना है बेस्ट एडवाइस जो मैं दे सकती हूँ आपको सरोजनी नगर के लिए इज दैट आपको थड़ियों से सबसे पहले शॉप करना चाहिए बिकॉज वहां फिक्स प्राइस होता है और बहुत ही कम प्राइस होता है आई फाउंड दिस स्टोर जहां पे आगे थड़ियां दो लगी हुई थी एंड ये 150 वाली बहुत अच्छी थी दे हैड सो मेनी कूल समर शर्ट जो आप दिल्ली में पहन सकते हो कहीं आपको वेकेशन बीच वेकेशन जाना हो गोवा में भी पहन सकते हो मुझे बहुत सुंदर मेश शर्ट भी मिली वहां पे एंड सब कुछ 150 रुपीस का था तो ये बहुत ही सही बात थी ये एंट्री में ही शॉप है शॉप नंबर 102 एंड यू गाइस कैन सी ये रेड कलर की बहुत सुंदर शर्ट थी जिसमें जिपर वाली ओपनिंग थी इंस्टेड ऑफ बटन्स यहां पे आपको बहुत ऐसे हवाइयन गोवा वाली शर्ट्स भी मिल जाएंगी एंड दे डिड हैव अ लॉट ऑफ सैटिन शर्ट्स जो कि एनिमल प्रिंट में थी एनिमल प्रिंट आजकल बहुत ज्यादा सरोजनी में चल रहा है आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स में ये गली बहुत लंबी है तो आप चलते चलते एक्सप्लोर कर सकते हो यू गाइस कैन सी मैं थड़ियों से घिरी हुई हूँ चारों ओर से नेक्स्ट मुझे मिली एक और थड़ी जिसमें 150 रुपीस के बहुत सुंदर सुंदर और यूनिक टॉप्स मिल रहे थे यहाँ शर्ट्स नहीं थे टॉप्स थे टैंक टॉप्स थे ग्लिटर वाला एक बॉडी सूट था आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट ब्लाउजेज हैं थोड़ी ब्रालेट्स हैं एंड अगर आपको थोड़े रिब्ड और मोटे मटेरियल के टैंक टॉप्स भी चाहिए वो भी अवेलेबल थे व्हाइट वाला मुझे बहुत सुंदर लगा नीचे इतना सुंदर फ्रेड इफेक्ट था बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा था ये इवन दिस नेट वन वॉज रियली रियली गुड मुझे ना ये ब्लू वाला बहुत ही शाइनी सा क्रश्ड टॉप बहुत अच्छा लग रहा था बट आई वॉजंट श्योर बट ये थी शॉप नंबर 108 उसके बाद आगे चलते चलते शॉप नंबर 109 है इंडिया क्रिएशंस उसके नीचे ये शॉप है मैं आपको बहुत बार ये शॉप बता चुकी हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शॉप्स जहाँ पे आपको बहुत सुंदर जंग ज्वेलरी मिलती है लिटरली अगर आपको बड़े बड़े चोकर्स चाहिए हो या फिर स्टेटमेंट इयररिंग्स चाहिए हो जंग ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी में बंजारा ज्वेलरी में मिरर वर्क कुंदन बहुत कुछ है यहाँ पे इवन कुंदन और सिल्वर ऐसे मेटल वाली मिक्स ज्वेलरी भी है एंड अभी नवरात्रि सीजन आएगा गरबा सीजन आएगा तो आप ये ले सकते हो कलरफुल बहुत अच्छा लगेगा चनिया चोली के साथ दुर्गा पूजा के टाइम भी ये बहुत सुंदर लगेंगे दीज इयररिंग्स वो लिटरली माय फेवरेट इतने सुंदर छन 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 कर रहे थे मैंने ट्राई करके भी देखे एंड दिस लुक्स अमेजिंग ये वाले इयररिंग्स भी बहुत प्यारे थे इसमें ना सेम कॉन्सेप्ट था नीचे झुमके अलग थे एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कुंदन वाली ज्वेलरी भी बहुत सुंदर है यहाँ के भैया तो मुझे पर्सनली जानते हैं मुझे बहुत नए नए डिजाइन दिखा रहे थे एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे तिरंगे के कलर के इयररिंग भी थे तो ये शॉप नंबर 109 के नीचे मैंने आपको बताया प्रॉपर एक छोटी सी थड़ी है नेक्स्ट शॉप मुझे मिली एंड दिस आई विल कंसीडर एज वन ऑफ माय हिडन जेम्स क्योंकि मैंने इसको पहले कभी नोटिस नहीं किया था इस शॉप में एक नई कलेक्शन आई है जहां पे आपको क्रॉक्स के कॉपीज टाइप के मिल जाएंगे ड्यूब्स टाइप के एंड अलग अलग और डिजाइन भी मिल जाएंगे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म वेजेस बहुत चल रहे हैं स्लीपर्स बहुत चल रहे हैं और बहुत ही अतरंगी नियॉन कलर्स में व्हाइट में इनके अंदर जो छोटे छोटे बटन से लगे होते हैं ना इनको और क्वर्की एंड स्टाइलिश बनाने के लिए वो भी काफी अमेजिंग थे कुछ ग्लिटर में थे कुछ सिंपल में थे मुझे ये वाला कलर बहुत प्यारा लगा था एंड दिस इज समथिंग दैट
दैट आई डोंट हैव इन माई कलेक्शन. तो मैंने सोचा वाई नॉट. इसकी रेंज थी अराउंड 600 to 700 rupees एंड आई फाउंड इट वॉज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि ये क्रॉक्स वगैरह ज़्यादातर 2000 से ऊपर के ही होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं. एंड देन दे हैड अ लॉट ऑफ शूज एंड स्नीकर्स की कलेक्शन. ये नकली नाइकी 1000+ के थे या तो 1100 के थे. बार्गेन वगैरह ज्यादा नहीं कर सकते थे. एंड आप देख सकते हो प्राडा के स्लाइड्स के भी ड्यूप अवेलेबल थे यहाँ पे, बट इसके अंदर जो प्रिंटिंग थी वो बहुत ही मेसी थी. लेकिन ये है शॉप नंबर 188 जहाँ पे आपको बहुत कम्फी फुटवेयर मिलेगा. आगे जाके आई फाउंड दिस शॉप जहाँ पे बहुत सुंदर मैक्सी ड्रेसेस मिल रही थी. एंड आई फील लाइक अगर किसी का बीच वगैरह वाली जगह जाने का, किसी भी वेकेशन पे जाने का प्लान हो तो वो ऐसी एयरी ड्रेसेस जरूर ले सकता है. देवर अवेलेबल इन सो मेनी कलर्स, पेस्टल्स में थे. एंड ये सनफ्लावर वाली ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छी लगी. दिस वॉज शॉप नंबर 200 एंड इट वॉज सच अ सरप्राइज. शॉपिंग करते करते मुझे मिली मेरी क्वर्की स्क्वाड. एंड ये दिल्ली की नहीं है, ये आई थी इधर स्पेशली. एंड वी गॉट फोटोज टुगेदर, खूब गप्पे मारी, बहुत मजा आया. आगे जाके आपको ऐसी बहुत हड़िया मिल जाएंगी जहाँ 250, 150, 50 rupees में ऐसी ड्रेसेस मिलेंगी. अगर आपको ऐसे अतरंगी प्रिंट्स पसंद है और अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस पसंद है तो आप यहाँ जरूर आ सकते हो. नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसी शॉप्स दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आपको टीज, टेक्सटीज और बहुत सारी ऐसी कार्टून टाइप की जो प्रिंट वाली होती है ना, कूल फंकी टीज, जूडियो की, H&M, ज़ारा वगैरह की मिलेंगी. सो ये है फर्स्ट शॉप, शॉप नंबर 185. यहाँ आप देख सकते हो स्पंज बॉब की है, बहुत अच्छी अच्छी. आगे ना एनिमे और मांगा वाली शर्ट्स भी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी. एंड इनके पास सबसे छोटे साइज से लेके प्लस साइज तक की टी शर्ट्स अवेलेबल होती हैं, विच इज समथिंग अमेजिंग. उसके बाद शॉप नंबर 114 भी कुछ ऐसा ही ऑफर करती है. इसमें ना बहुत सुंदर नाइट सूट्स की कलेक्शन थी, ट्वीटी थी, पावर पफ गर्ल्स थी, टॉम एंड जेरी था, बहुत सारी अच्छी कलेक्शन थी. मुझे तो भाई पावर पफ गर्ल्स बहुत पसंद है. आगे जाते जाते आई केम अक्रॉस दिस शॉप. शॉप थी एकदम पीछे ऐसे लगा हुआ था जिसमें क्वाड सेट्स मिल रहे थे अलग अलग फंकी समरी कलर्स में. क्या मस्त चेरी ब्लॉसम वाइब्स आ रही है इसमें. ये कलर कॉम्बिनेशन बेज और पिंक का बड़ा ही प्यारा है. दिस इज शॉप नंबर 116 जो इनसेंस के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा, तो आप गूगल मैप पे लगा सकते हो. एंड जब भैया को पता चला मैं वीडियो बना रही हूँ, देवर लाइक मैं भी ब्लॉग में आऊंगा. एंड इट वॉज सो फनी. यहाँ के सारे शॉपकीपर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तमीज से डिसेंटली बात करो वो भी बहुत अच्छे से बात करते हैं. क्वाड सेट्स की यहाँ पे कमी नहीं है. आई ऑल्सो केम अक्रॉस दिस शॉप जहाँ पे और टी शर्ट्स मिल रही थी सारी ब्रांडेड. नाउ आई डोंट नो कि ये जो टैग्स हैं वो असली हैं नकली हैं, बट कुछ प्रिंटेड थे और कुछ ज़ारा के ऐसे स्टिकर्स से लगाए हुए थे. बट दिस शॉप वॉज एक्चुअली रियली नाइस, क्योंकि इसके अंदर जाके मुझे आई थिंक 3XL, 4XL वगैरह तक बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी टी शर्ट्स मिली फॉर मैन एज वेल एज वुमेन. ये वाली स्माइली वाली H&M की ओरिजिनल कलेक्शन थी, मैंने उनकी वेबसाइट पे और ऐप पे भी देखी हुई है, विच वॉज अमेजिंग. तो इसमें XL साइज अवेलेबल था. यहाँ आप देख सकते हो नारुतो और पुराने जो 90s के बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स होते थे ना, तो वो सारे अवेलेबल थे. काफी ट्रेंडी टी शर्ट्स काफी ट्रेंडी कलर्स में अवेलेबल थी फॉर मैन एज वेल एज वुमेन. देन आगे जाके आप पहुंचोगे ग्राफिटी लेन के ऑपोजिट इस शॉप पे, जहाँ पे आपको क्रिश्चियन डियोर के, लुई विटॉन के और फेंडी के, ये सारे सब्यसाची वगैरह के ड्यूप बैग्स मिल जाएंगे. एंड इसके पास ही एक शॉप थी जहाँ पे एक थड़ी लगी हुई थी ये सेल 200 rupees की, इसमें बहुत सुंदर श्रग्स मिल रहे थे. तो आई रियली लाइक दिस व्हाइट एंड इंडिगो ब्लू वाला श्रग एंड मुझे परफेक्ट फिटिंग का आ गया था ये, सो आई वॉज रियली हैप्पी. येट अनदर टाइम आई मेट माई क्वर्की स्क्वाड एंड शी वॉज सो स्वीट. हमारी सेल्फी भी बहुत क्यूट आई थी. देन द नेक्स्ट शॉप जो कि मुझे और पसंद है ज्वेलरी के मामले में, जहाँ पे आपको जंक ज्वेलरी एज वेल एज थोड़ी बहुत वेस्टर्न ज्वेलरी मिल जाती है, इज दिस वन. आजकल पर्ल्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स को भी ऑफर करते देखा है. एंड ये वाले पर्ल चेन्स बहुत अच्छे थे. एटर्निटी शॉप है, उसके सामने ही आपको ये थड़ी मिलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हो आपको सेम वो कुंदन ज्वेलरी, जंक ज्वेलरी, वही टाइप के कलरफुल जो मिरर्स वाले हार होते हैं वो मिलेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पर्ल लेयर ज्वेलरी आपको बहुत सुंदर ऐसे चोकर मिलेंगे. ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, काफी महंगा बोल रहे थे भैया ये, बट वी ट्राइड टू बार्गेन थोड़ा बहुत. ये है शॉप नंबर 179 बाय द वे. अगर आपको एटर्निटी ना मिले तो आप 179 किसी से डायरेक्शन के लिए पूछ सकते हो. अगेन थड़ियों पे जाके आप देख सकते हो 50 rupees की टी शर्ट मिल रही है. यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे सेल लगी हुई थी, 300 rupees की ऐसी कुर्तीज मिल रही थी जिसमें गोल्डन प्रिंट था और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे लखनऊ वर्क का काम था. उसकी साइड में ही ऐसे क्वाड सेट्स मिल रहे थे 550 rupees में ओनली. इतने सारे आप देख सकते हो, पूरी लाइन लगी हुई है अलग अलग डिजाइन एंड कलर्स की. एंड दिस इज सोनू गारमेंट्स. नाउ सोनू गारमेंट्स के एकदम ऑपोजिट रोड क्रॉस करके इस शॉप नंबर 173 जहाँ पे बहुत सही और ट्रेंडी चश्मे, फ्रेम्स और सनग्लासेस मिलते हैं. यहाँ पे कलेक्शन की बिल्कुल कमी नहीं है. अगर आपको छोटे से छोटे फ्रेम्स चाहिए हो, इवन ऐसी पतली सी रिम वाले, वो भी आप ले सकते हो. काफी विंटेज और रेट्रो कूल लुक लगता है. सो आई ट्राइड अ फ्यू. इसमें ग्रीन टिंट था, देन आई ट्राइड इसकी थोड़ी ओवल शेप वाला जो कि थोड़ा टेढ़ा लग रहा था मेरे ऊपर. सो उसके बाद मैंने ये वाला थोड़ा बड़ा स्टाइल ट्राई किया, बट आई डिड नॉट लाइक इट एज सच. ये वाला मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था. सो इन सबके ना रेट्स अलग अलग होते हैं एंड ये वाला तो बिल्कुल मेरे आउटफिट से मैच कर रहा था. इनकी रेंज होती है 100 to 300 तक. देन आगे जाके आई फाउंड दिस थड़ी जिसपे ऊपर भैया ने लिखा हुआ था सेल टाइम एंड उसपे
80 rupees के ऐसे mesh top और बड़े प्यारे प्यारे tops मिल रहे थे। सो ये मुझे काफी unique लगा। This is something जो मैंने कभी experiment नहीं किया है। ऐसे glitter वाले tops भी मुझे personally बहुत पसंद है। So this is shop number 161 जहाँ पे 80 rupees की थड़ी लगी हुई है। यहाँ पे आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी सही टाइप के टॉप्स हैं एंड अंदर शॉप में आपको काफी डेनिम वैरायटीज, डंगरीज की और जीन्स की या फिर जैकेट्स की मिल जाएगी। Now why I said कि आपको 11 बजे सरोजनी नगर आना चाहिए is because आपको ऐसी खाली सड़कें मिलती हैं, आपको दिख रहा है क्राउड बहुत कम है एंड आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। स्पेशली जब गर्मी हो, यू डोंट वॉन्ट कि बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो, लोग आसपास चिपक रहे हो, तो थोड़ी सी शांति रहती है मन को। एंड मंडे इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम। पहले मंडे मार्केट लगती थी बट आजकल ऐसे रूल्स नहीं रहे हैं। सो आपको 50 rupees, 200 rupees, 150 rupees में अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती है और मन की तसल्ली भी मिल सकती है कि सुबह सुबह आप एक दो घंटे लगा के शॉपिंग करके आ गए। बट यस, अपनी हेल्थ जरूर ध्यान रखें। एंड यहाँ पे आपको कमल ज्वेलर्स करके यहाँ शॉप दिख रही है बीच में, उसके एकदम ऑपोजिट इज दिस शॉप जहाँ पतली सी गली है बट ओ माय गॉड यू गाइस, यहाँ पे इतने सही सही सॉफ्टेस्ट बाथरोब्स मिलते हैं। ये स्टार वाला देखो, पीछे दिल वाला देखो एंड ये जो पिंक वाला है उसे तो बिल्कुल मुझे बारबी मूवी की याद आ गई। मुझे लग रहा था मैं ही बारबी बन जाऊं ये सब पहन के। सो ये वाली कलेक्शन मुझे काफी अच्छी लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत कलरफुल कलेक्शन भी मिल जाएगी। इन सब में जारा का टैग लगा होता है, अलग अलग थड़ियां और बड़ी बड़ी भी होती है चलते चलते, जहां पे कुर्ते मिलते हैं, प्लाजो मिलती है। मुझे यहाँ जो एक सुलभ शौचालय है ना सरोजनी नगर के बीचों बीच, वहां पे एक बहुत सुंदर शॉप मिली जहां पे अच्छे अच्छे टोट बैग्स मिल रहे थे। मैंने बोला था ना मुझे एक्सप्लोर करना है कि यहाँ पे विंटर कलेक्शन आई है कि नहीं आई। भाई सरोजनी नगर में 30-40% भर भर के विंटर कलेक्शन है। आपको थड़ियों में भी मिल जाएंगे ऐसे कार्डिगन्स और स्वेटर वेस्ट। एंड अगर आप शॉप के अंदर जाके देखोगे, एक साइड समर का माल होता है और दूसरी साइड विंटर का, मोटे मोटे चंकी स्वेटर्स मिल रहे थे। भाई आप क्या बात कर रहे हो। अगर आपको दिल्ली के समर सीजन में कहीं विंटर वाली वेकेशन के लिए जाना हो तो यहाँ पे कपड़े अवेलेबल है। जीन्स आपको यहाँ पे 100-100 rupees की मिल रही है। कार्गो पैंट्स अगर आपको चाहिए थोड़ी स्टाइलिश, वो 350 rupees की मिल रही है। आई ऑल्सो फाउंड सम स्किनी जीन्स, पेपर बैग जीन्स, ऐसे टाइप की जो ड्रेसेस होती है 250 की। लड़कों के ज्यादातर टॉप्स एंड टी शर्ट्स भी अगर आप थड़ी से लोगे 200-250 की मिलेगी। अब अगर आप गेट नंबर 2 से बाहर आओगे ना सरोजनी नगर से, किसी से पूछ लेना, तो उसके साइड में एक पूरी मार्केट है जहाँ पे बड़ी बड़ी थड़ियां लगी हुई है। यहाँ पे आपको हाउस का सामान मिलता है, लाइक आप देख सकते हो बेडशीट्स है, पर्दे हैं, बहुत सही सही कुशनी पिलो भी थे। तो आप कंफर्टर्स ले सकते हो, टेबल क्लॉथ ले सकते हो एंड यहाँ पे जीन्स भी मिली थी मुझे पेपर बैग वाली, लेकिन मैंने रेट नहीं पूछा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रालेट्स, ब्राज एंड पैंटीज भी मिल जाएगी। सबसे ज्यादा बड़ी थड़ियां लगती हैं यहाँ पे सिरेमिक्स की। मुझे ये फ्लावर वेस्ट टाइप के बहुत पसंद आए, बैग जैसा लग रहा था। कभी खुशी कभी गम में काजोल कहती है ना गमला, यहाँ पे गमलों की कमी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सही सही क्रॉकरी मिल जाएगी बहुत सुंदर डिजाइन में। आपको बियर मग मिल जाएगा, यहाँ बड़े सही सही आइसक्रीम वाले कप्स थे, इसके अंदर आप अपने गेस्ट को आइसक्रीम्स परोस सकते हो। सो ये पूरी लेन ही कुछ ऐसी है एंड यहाँ के रेट्स भी काफी डिसेंट थे, लाइक आपको 200-300-400 तक में बहुत अच्छी अच्छी और स्टाइलिश चीजें मिल जाएंगी विच विल मेक योर होम लुक सो मच बेटर। बट हाँ, क्योंकि ये कांच और सिरेमिक चीजें हैं, मेरी मम्मी की तरह सब कुछ अच्छे से भाई चेक कर लेना। एंड येट अगेन एकदम एंड में आई मेट अनदर क्वर्की स्क्वाड एंड शी वॉज सो क्यूट। हमने बहुत सारी पिक्चर्स खींची एज यूजुअल एंड अब हो गई है मेरी शॉपिंग पूरी। दोनों बैग भर लिए हैं भाई जो घर से लेके आई थी। गाड़ी में एसी का जो मजा आया है भाई, ठंडी हवा की कीमत पता चल गई मुझे पूरी, नहीं तो मेरा गला पूरा सना हुआ था पसीने से। बट दिस ट्रिप टू सरोजनी वॉज सो मच फन, आई रियली लव एक्सप्लोरिंग दिस फॉर यू गाइज। पार्ट 2 ट्रायन हॉल के लिए वेट करना जिसमें सारे रेट्स बताऊंगी। इट इज इवनिंग टाइम एंड आई एम बैक होम। मेरे बाल और मेरे मुंह का बिल्कुल बुरा हाल हो गया है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी आज। बट मैंने इस बार काफी काम की चीजें ली हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू, लाइक जैसे आप एंटर करते हो सरोजनी नगर में तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो ना कि ये भी ले लेती हूँ ये भी ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। आई वॉज वेरी काम ड्यूरिंग द होल डे एंड आई ऑल्सो मेट क्वर्की स्क्वाड मेंबर्स, तो मुझे बहुत पसंद आया। फुटेज तो आप लोगों ने देख ली होगी एंड आई ऑल्सो होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से बाहर रहते हो, इफ यू आर हैविंग ट्रबल नेविगेटिंग सरोजनी नगर, आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। हर साल मैं ट्राई करती हूँ थोड़ी बहुत सरोजनी नगर की वीडियोज लाने के लिए बिकॉज यू गाइज आर सच अ फैन एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने शुरू से मेरे चैनल को सरोजनी नगर, चांदनी चौक, ऐसे वाली एक्सप्लोर विद क्वर्की वीडियोस देख के सब्सक्राइब किया था। सो आई रियली वांट टू केटर टू दैट ओजी ऑडियंस ऑफ माइन एंड आई होप आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसी लगी, सब्सक्राइब कर लो, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thatquirkymiss। सरोजनी नगर के बहुत सारे शॉर्ट्स भी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।